अभी बहुत लोग आएंगे। बोला चाहूंगा मैं आज बहुत સ્ટેજ એવોર્ડ બહુ સુંદર રીતે શરૂ થયો છે અને બીજા 100 વર્ષ આ ચાલે એવી મારી શુભેચ્છા છે અને એમના આયોજકોને મારા દિલથી અભિનંદન છે. થેન્ક યુ. Just one second, we only, I'm looking for trans media. Hmm? Just one minute, we'll take. Sir, कहना चाहूंगी कि 17 years इन लोगों ने कंप्लीट किया है और ये गुजरात का गौरव है. एंड मैं भी गुजराती हूँ इसलिए मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जब गुजराती लोग आगे बढ़ते हैं और उनके लिए बहुत हमारे इतने अच्छे एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, भरत भाई सब लोग नहीं होते तो हम फिल्में ही नहीं बनती. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई कैन जस्ट से दिस शुड कंटिन्यू. एंड मैं 4-5 साल पहले आई थी और अभी आई हूँ. नाउ तो गुजराती इंडस्ट्री इज डूइंग सो गुड. So I'm very proud of Gujarat. Keep rocking and I'm always there to be there whenever you want me. बहुत सारी गुजराती फेवरेट मूवी है. मेरी मम्मी गुजराती फिल्में थी. मैं तो मेरी फिल्म का नाम कहूँगी माँ बाप ने भूल सो नहीं वॉज अ वेरी गुड फिल्म. सो आई डिड दैट फिल्म एंड जिसकी बागबान रीमेक हुई थी. आजकल तो मॉडर्न गुजराती फिल्में बनने लग गई है और बिजनेस भी अच्छा कर रही है इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि गुजराती प्रोड्यूसर्स को और इनकरेजमेंट मिलता है गुजराती करने के लिए. सो डेफिनेटली यू विल सी मी वेरी सून इन गुजराती फिल्म. जब तक प्रोड्यूसर अनाउंस नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकती. ऑब्वियसली मेरा रोल अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, सारी चीज़ कुछ नहीं हो सकता. सो ही इज राइट एंड मेकिंग अच्छी होनी चाहिए. ऑफकोर्स अवार्ड सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और आजकल इतने अवार्ड आते हैं तो सारे एक्टरों को जब भी अवार्ड मिलता है कोई भी अवार्ड मिलता है उसको एनकरेजमेंट मिलती है. वो और अच्छा काम करते हैं, प्रोड्यूसर्स और अच्छी फिल्में बनाते हैं और ऐसे अवार्ड्स की वजह से कंपटीशन थोड़ा सा हो जाता है कि वी हैव टू डू बेटर. सो आई थिंक द अवार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंग्रेचुलेट वंस अगेन टू ट्रांस मीडिया कंप्लीटिंग 17 इयर्स. सो मच सर. जैस्मिन भाई ट्रांस मीडिया में जो गुजराती लोग के लिए किया है उसके लिए मैं उसको कंग्रेचुलेट कहता हूँ. और मैं समझता हूँ कि ये गुजराती स्टेज अवार्ड 17 साल से वो कर रहे हैं और वो 17 साल के अंदर जिस तरह से पॉपुलर हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो सब से उनको जाता है क्योंकि उन्होंने ही ये गुजराती स्टेज शो खड़ा किया है. और मैं समझता हूँ कि इसी तरह से गुजराती जो भी मूवी आ रही है उसको भी सपोर्ट मिलेगा और आगे जाके गुजराती फिल्म भी बहुत बनेगी और सबको सपोर्ट मिलेगा और गुजराती समाज में ये पॉपुलर होगा. तो मैं उनको कंग्रेचुलेट कहता हूँ. सर बॉलीवुड की कौन सी मूवी अपकमिंग में आपकी पाइपलाइन है? अभी तो कोई है नहीं मगर नई पिक्चर है, 2-3 स्क्रिप्ट अच्छी मिलेगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे. थैंक यू सर. ये 17वें साल में प्रवेश कर रहे हैं और ये इतना बड़ा आयोजन किया है इन्होंने. ऐसे लग रहा है जैसे हिंदी में इतने बड़े अवार्ड होते हैं. तो जश्विन भाई को, ट्रांसमीडिया को और उनके साथ जितने लोग जुड़े हैं जैसे जियो, मनीष भाई, सबको बहुत बहुत शुभेच्छा. थैंक यू सर. हमारी आज फिल्म चल रही है IRA नीरज पांडे की और अगले हफ्ते हमारी पहली गुजराती फिल्म आ रही है. और जिसको ये मैं बोल सकता हूँ कि
जसमीन भाई ने बनवाई है, क्योंकि जसमीन भाई मेरे को हर अवार्ड में बोलते थे कि आप गुजरातियों के गुजराती फिल्म नहीं बनाते, तो उनके मान रखे पहली बार हम गुजराती पिक्चर में एंटर हो रहे हैं और गुजू भाई मोस्ट वांटेड 23 तारीख को। अच्छा, किस तरह की मूवी होने वाली है गुजू मोस्ट वांटेड? 23 तारीख को। 23 तारीख को किस तरह की मूवी होने वाली है, उसके बारे में बता सकते हैं? पूरे वर्ल्ड में रिलीज हो रही है और ये पहली बार इतनी बड़ी मैन्यू, मतलब ये बोल सकते हैं कि इतना प्रोडक्शन, इतनी बार महंगा प्रोडक्शन आज तक गुजराती पिक्चरों में नहीं हुआ है। और सिद्धार्थ भाई ने बहुत मेहनत करके पिक्चर बनाई है, उनके बेटे ने डायरेक्शन की है ईशान ने, और 23 तारीख को ये पूरी दुनिया भर में रिलीज होगी। नहीं अभी कोई फ्यूचर। मैम मैं आनंद पंडित मोशन पिक्चर की ओर से मैं जासमीन भाई को, मनोहर कानू को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज थी उनको करीब 17 साल से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। जो बड़े बड़े हाउसेस ने ये इसके बारे में सोचा नहीं है, या तो जो मीडिया हाउसेस ने सोचा नहीं है वो ट्रांस मीडिया ने सोचा है, और 17 साल से ये अच्छा सब ऐसा सबको इकट्ठा कर रहे हैं और ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। गुजराती कम्युनिटी रूलिंग कर रहा है श्री मोदी, तो ऑल द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन, हाउ प्राउड यू फील अबाउट द बिग पार्ट ऑफ द गुजराती कम्युनिटी? आई एम रियली फीलिंग वेरी प्राउड, आई मीन आई वाज ऑलवेज प्राउड, और आज ऐसा है कि देश का सुकान भी एक गुजराती के हाथ में है, और हर जगह पे गुजराती जो जाता है वहाँ पर सक्सेसफुल होता है, तो बीइंग गुजराती आई एम वेरी प्राउड ऑफ अबाउट बीइंग गुजराती। थैंक यू। इट्स अ वेरी ग्रेट जॉब दैट ट्रांस मीडिया इज डूइंग कि गुजराती इंडस्ट्री में एक मात्र अवॉर्ड फंक्शन है, બધા કલાકારોને એપ્રિસિએશનની બહુ જ જરૂર હોતી હોય છે, એ લોકો એપ્રિસિએશન માટે જ કામ કરતા હોય છે, અને આ જ એક ગુજરાતી એક્ટર્સ માટે, કલાકારો માટે આ પ્લેટફોર્મ છે જેને સન્માન કરવામાં આવે છે, તો આઈ એમ વેરી થેન્કફુલ એન્ડ ગ્રેટફુલ ટુ ધેમ। એ ભી પૂછો છો ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી સે તાલુકા રહેતી, તો આજ કે દોર મેં કિસ તરહ કી ઇન્ડસ્ટ્રી હૈ, કિતના બડી હૈ, કિતના પ્રાઉડ ફીલ કરતે હૈ ઇસ ઇન્ડસ્ટ્રી કે પાર્ટ હોને કે લિયે? અભી સે લાઇક પાસ્ટ ફ્યુ યર્સ, લાઇક 2-3 યર્સ બહુત જ્યાદા ડેવલપ કર રહી હૈ હમારી ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી ભી, બોલિવૂડ કે લેવલ પે મૂવીઝ બના રહી હૈ। I'm very proud and ये बहुत बधाइयाँ भी देना चाहती हूँ कि हाँ हम वो लेवल पे पहुँच रहे हैं। पहले जो अर्बन बन रही थी ओनली अर्बन गुजराती मूवीज़, अभी आई मीन सॉरी रूरल बन रही थी, अभी अर्बन बनने लगी है और बहुत अच्छे लेवल पे बन रही है। And what about future projects, Gujarati project या कोई हिंदी project are you working on right now? Yeah, right now I am doing lead Gujarati serial of colors, Lakshmi Sadev Mangalam. Great. And yeah, meri do film bhi aa rahi hai this year, and Gujarati films, one South Indian film, and Hindi mein bhi projects hai, albums hai. बहुत बहुत मेहरबानी सबकी, और मैं हेलो मैं एक गुजराती हूँ और मुझे एक गुजराती होने का गर्व है, और आज ट्रांस मीडिया अवॉर्ड 17 साल जब पूरे होने को है, और आज हम सब कलाकारों को एक बड़ा मंच आज यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, और इसके लिए दो शख्सियत का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक हमारे जसमीन भाई शाह और मनीष भाई, जिन्होंने ये प्रयास किया, और प्रयास को 17 साल हो गए, और आप सब ने मुझे लाफ्टर चैलेंज के माध्यम से, तारक मेहता के माध्यम से बहुत प्यार दिया। कलाकार कभी बड़ा नहीं होता, कलाकार को सुनने वाला प्रेक्षक बड़ा होता है, कि जो बातों को कलाकारों की सराहता है उसे अप्रिशिएट करता है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि द लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट इज जस्ट लाइक अ कैंडल बर्निंग एट बोथ द एंड्स, नो वन कैन स्टॉप इट, कैन सी ओनली हाउ नाइसली डज इट बर्न। जिस शेर ने मुझे जय छनियारा बनाया,
वो सब के लिए कहना चाहूँगा कि जीने का मतलब मैंने मोहब्बत में पा लिया, जीने का मतलब मैंने मोहब्बत में पा लिया, जिसका भी गम हुआ उसे अपना लिया, आप रोकर भी गम को हल्का ना कर सके, मैंने हंसी की आड़ में हर गम को छुपा लिया। क्या बात है, क्या बात है, वाह। आज आप किस कैटेगरी में नॉमिनेट है उसका थोड़ा बताएंगे? मैं लोगों की हंसी की कैटेगरी में नॉमिनेट, मैं सबसे पहली बात तो ये है, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जब तक इस सांस में सांस है लोगों को इसी तरह हंसाता रहूँ, गुदगुदाता रहूँ, क्योंकि हंसी ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें जीएसटी नहीं, सबको ऐसे ही हंसाता रहूँ, गुदगुदाता रहूँ, तो आप सब मुझे इस तरह प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच। सर आप काफ़ी अच्छे म्यूजिक भी करते हैं, जैसे कि हमने मैं एक्टर की आवाज़ तो नहीं निकाल सकता सर, क्योंकि वो तो बहुत टफ चीज़ है, लेकिन हाँ, लेकिन जिस मैंने लाफ्टर चैलेंज में एक बात कही थी वो मैं कहना चाहूँगा, जिस चुटकुले से मैं फेमस हुआ, एक बार लालू प्रसाद यादव जी ने मोदी साहब को कहा मुझे हिंदुस्तान का पीएम बनाओ, मोदी साहब बोले मुझे और कोई टेंशन नहीं है कि तुम ये नई बात कर रहे हो, बोला नहीं मुझे पीएम बनाओ, मोदी साहब ने कहा कि अगर पीएम बनना है तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, बोले मैं सीख लूँगा, मेरी पत्नी भी सीएम है, बोले अगर आपकी पत्नी सीएम है तो मैं आपको थोड़ा पीएम कर सकता हूँ, इंग्लिश सीखना पड़ेगा, बोले मैं सीखूँगा, आप मुझे चिट्ठी लिख दो, मोदी साहब इस समय कोई टेंशन में नहीं था, चिट्ठी लिख दी ट्रंप साहब को कि इसको मैं भेज रहा हूँ लालू जी को, आप इंग्लिश सिखा देना, ट्रंप साहब भी टेंशन में नहीं थे, हाँ कहा, 6 महीने तक सिखाया, 6 महीने के बाद मोदी साहब को ऐसा लगा कि लाऊ मैं फ़ोन तो करूँ ट्रंप साहब को, तो अमेरिका फ़ोन किया, इंग्लिश में पूछा, कहने लगे व्हाट प्रोग्रेस अबाउट लालू, ट्रंप साहब ने फ़ोन में जवाब दिया ये ससुरा इंग्लिश नहीं बोल पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द बेस्ट। मैम लुक हियर सेंटर प्लीज, मैम यू इन दिस कैमरा, मैम एक्सक्यूज मी प्रभात, मैम यू इन दिस तारिका त्रिपाठी। तारिका, दिस इज तारिका त्रिपाठी। तारिका जी, पूछना चाहूंगा ट्रांस मीडिया का ये 17वां साल है, सक्सेसफुली ये ऑर्गेनाइज किया है और चल रहा है, गुजराती नवट, क्या कहना चाहेंगे उनके इस अचीवमेंट के बारे में? 17 साल से ये अवार्ड फंक्शन इतनी अच्छी तरह से हो रहा है, हर साल ये कुछ ना कुछ नया लेकर आता है, मैं पिछले 2 साल से आ रहे हुए हैं ना, वेरी एक्साइटेड, पिछले साल भी मेरा प्ले नॉमिनेटेड था एंड दिस ईयर मेरा प्ले और मेरी फिल्म दोनों नॉमिनेटेड है, तो बहुत मज़ा आ रहा है, जिस तरह से ये पूरा ऑर्गेनाइज होता है इतनी स्मूथली हो जाता है, कूडोज टू द ऑर्गेनाइजर्स जैस्मिन सर, अभिलाष सर, एवरी वन ऑर्गेनाइजर्स, ज्यूरी, अमेजिंग, कमेंडेबल। अवार्ड फंक्शंस जब होते हैं तब जब हमको अवार्ड्स मिलते हैं तब हमको हमारी हार्डवर्क का जो भी होता है अप्रिसिएशन मिलता है, तो वी रियली फील गुड एंड हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे जो भी काम कर रहे हैं वो आगे और अच्छा काम करें एंड या बहुत अच्छे से चल रहा है और बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। बहुत ही अच्छे से डेवलप हुआ है, बहुत मैच्योर हो गया है, बहुत क्वालिटी वाइज अपग्रेड हुआ है एंड आई कैन डेफिनेटली से कि हमारी गुजराती फिल्म्स और सीरियल्स अब किसी भी मुंबई की सीरियल से या फिर मुंबई की हिंदी सीरियल से कम नहीं है। अहमदाबाद पीपल आर ऑल्सो यू नो हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड, तो गुजरात से हमको इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है तो हमें यू नो वी आर लविंग इट एंड वी आर वर्किंग मोर हार्ड फॉर इट। फ्यूचर में मैं जा रही हूँ USA 3 महीने के लिए विद अ प्ले एंड ये लाली लीला के बहुत
बहुत सारे शोज हो चुके हैं, 30 से ज़्यादा शोज हमने कर लिए हैं और आगे भी बहुत सारे शोज इसके हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी लाइन अप है, फिल्म और वो सब, बट धीरे धीरे बताएंगे। आई एम डूइंग वन सलमान खान फिल्म, लवरात्रि, जिसका पोस्टर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, सो या आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। थैंक यू सो मच। ये अवार्ड और ये जो स्टेज अवार्ड्स है और स्पीच अवार्ड्स है, क्या कहना चाहेंगे ट्रांसमीडिया के सक्सेस के बारे में? सी, ट्रांसमीडिया अगर देखा जाए तो ट्रांसमीडिया का 17th है, मतलब गुजराती आर्टिस्ट, चाहे वो ड्रामा के आर्टिस्ट हो या फिल्म के हो या टेलीविज़न के हो, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको और उनकी स्किल को और एनहांस करने के लिए ट्रांसमीडिया अवार्ड्स होता है, जो डे बाई डे और एनहांस हो रहा है और बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है। लकीली आज मैंने भी यहाँ पे परफॉर्म किया है, जो हमारा बहुत ज़्यादा सुंदर गोल्डन सॉन्ग है सांवरियो, एंड इट्स ब्यूटीफुल, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं चाहूँगी कि ऐसे ट्रांसमीडिया हर साल और आगे बढ़ता रहे। तो कैसा अनुभव था परफॉर्म करने का, हाउ एक्साइटिंग वाज़ इट? बहुत एक्साइटिंग था, बिकॉज ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस इज समथिंग, एक होता है ना कि बचपन से कोई गाना होता है जो आपके दिल से जुड़ा होता है, हर लड़की चाहती है यार उसको ऐसा पति मिले जो इतना सा मांगकर इतना सारा दे दे। सो दिस इज अबाउट सांवरियो, और कोरियोग्राफी वॉज डन बाई कुणाल सोनी, सो आई वुड लाइक टू थैंक एंटायर कोरियोग्राफर टीम, ट्रांसमीडिया टीम, जसमीन जी, जसमीन शाह, अभिलाष जी, अभिलाष घोड़ा, दीपक अंताड़ी एंड एंटायर ट्रांसमीडिया टीम, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। और प्रोफेशनली क्या कर रही हैं? यू आर डूइंग अ न्यू शो, फ्यूचर क्या कर रही हैं? यस, एक्चुअली आई शोड अ फिल्म पागल पंते, इट्स अ बायलिंगुअल फिल्म विच वी शॉट इन द फिजी आइलैंड, इट्स गुजराती एज वेल हिंदी, जो गुजराती में भी रिलीज होने जा रही है, और एक हमारी दूसरी मूवी का शूट शुरू हो रहा है, मेरी ऑलरेडी रियूनियन फिल्म रिलीज हो चुकी है, सो लॉट टू डू इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वेरी सून यू विल सी मी ऑन सिल्वर स्क्रीन विद पागल पंते। थैंक यू सो मच। एक्साइटेड तो हूँ बिकॉज ऑल आर वेटिंग फॉर माई परफॉर्मेंस एंड मी आल्सो वेटिंग फॉर दिस ग्रैंड परफॉर्मेंस। हाँ, ये सभी लोगों का फेवरेट सॉन्ग है, इवन केवल गुजरात में नहीं, जहाँ भी गुजराती रह रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, सही में ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ भी गुजराती रह रहे हैं उनका फेवरेट सॉन्ग है, तने चार चार बंगड़ी वाली ऑडी ले दो। खास बात ये है कि वो बस इंजॉय करना जानते हैं, उनको बस इंजॉय करना है, वीकेंड्स है तो उन लोगों को बाहर जाके खाना खाना है, इंजॉय करना है, घूमना है, इंजॉय करना है, तो दैट इज द मेन प्लस पॉइंट ऑफ गुजराती। और प्रोफेशनली क्या कर रही हैं आप, आगे कोई प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं? एक्चुअली मेरी अपकमिंग फिल्म्स है वाया प्रेम नगर वंस मोर एंड द सेकंड वन इज एक राधा एक मीरा। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री है, टेलीविजन इंडस्ट्री है, कितना ग्रो किया है और कितना ज़्यादा प्राउड फील करती हैं उस मीडियम के बारे में? ग्रोथ काफ़ी हुआ है गुजराती फिल्म इंडस्ट्री का, एंड मैं प्राउड इसलिए करती हूँ बिकॉज हम रीजनल वाले ही हैं जिन्होंने अभी तक जो इंडिया का एक अलग अलग कल्चर है उसको संभाल के रखा हुआ है। अदरवाइज बॉलीवुड में आप अभी देखने जाएंगे तो एक वेस्टर्नाइज हो चुका है टोटली, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारे कल्चर की झलक होती है, हमारी संस्कृति की झलक होती है, बट हम रीजनल वाले ही ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे कल्चर को पकड़ के रखा हुआ है, तो वो बहुत अच्छा एक ग्रोथ भी है, डेवलपमेंट भी है, प्राउड की बात भी है। हाँ देखिए, सपोर्ट तो हर किसी का मिलना ही चाहिए, ये लोग अवार्ड के जरिए हमारे आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करते हैं, तो ये होना ही चाहिए, सो गुड लक फॉर द ट्रांसमीडिया। थैंक यू।
मैम कम एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट था वो रियल स्टोरी के ऊपर है. एक ट्रेन एक्सीडेंट जिसमें जैसे कि हम देखते हैं बॉम्बे में हर रोज़ बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें से एक ट्रेन एक्सीडेंट ऐसा था जिसके बारे में हमारे राइटर को कहीं से पता चला और उन्होंने उसके ऊपर पूरा ड्रामा प्रॉपर बनाया और हमारे प्रोड्यूसर ने उसके पीछे बहुत मेहनत भी ली है और बहुत अच्छे से डायरेक्ट हुआ और हम सब ने मिलके उसमें मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया. तो हमने बॉम्बे में गुजरात में सब जगह पे परफॉर्म किया है तो वी फील वेरी प्राउड अबाउट दैट कि मैं मुझे खुद को इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस प्ले का पार्ट आई जस्ट लव. या मैं अभी फ़िलहाल एक और टीवी सीरियल कर रही हूँ दिकरी भालनो दरियो. ये सीरियल ऑन एयर हो रही है 12 मार्च से कलर्स गुजराती पर. सो प्लीज़ ट्रांसमीडिया जो कंपनी है ये 17 साल से ऑर्गेनाइज कर रही है इस अवार्ड को स्क्रीन और सजावट, क्या कहना चाहेंगे कितना सक्सेसफुल है? नहीं ऑब्वियसली ये बहुत सक्सेस है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सालों से बहुत सारे लोगों को मतलब पहले इतना नहीं था गुजराती इंडस्ट्री में इतना सब नहीं था. ये बहुत अच्छा तरीका है कि लोगों को आगे बढ़ने का मन करता है और जहाँ पे लोग सिर्फ हिंदी इंडस्ट्री में एंटर होने की कोशिश करते रहते हैं वहाँ पे आज गुजराती आर्टिस्ट गुजराती इंडस्ट्री में रह के भी आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं. कितना डेवलप कर दिया गुजराती फिल्म इंडस्ट्री और ये बहुत बहुत अच्छे से फिल्में तो बहुत अभी आ रही है और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है लेकिन उसको उतना सक्सेस नहीं मिल रहा है मेरे हिसाब से. मुझे जब तक देख जैसे कि रीजनल फिल्म है साउथ इंडियन फिल्म है या महाराष्ट्रीय फिल्म है उनको जितना आगे बढ़ने के लिए मौका मिल रहा है उतना गुजराती फिल्मों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है. तो आई विश कि उसके लिए भी कुछ आगे किया जाए और उनको भी उतना प्लेटफॉर्म मिले. अवार्ड किसे मिल रहा है? सुपरस्टार के लिए नॉमिनेट हुए आप? हाँ मैं नॉमिनेट हुई हूँ. मुझे अवार्ड पता नहीं ना बिकॉज गुजराती सी आई हैव मैं बचपन से ना गुजराती थिएटर ड्रामा देखने का बहुत शौक है और गुजरात में ना एक्टर्स बहुत बहुत अच्छे हैं बट दे जस्ट हैव डोंट हैव आई यूज्ड टू फील दैट टाइम दैट कि उनके पास प्लेटफॉर्म बहुत छोटा सा है एक्सपोजर कम होता था. एंड ऑफकोर्स बींग गुजराती मेरा अटैचमेंट मेरी मदर टंग के साथ बहुत था ना. माई मदर ऑलवेज एक्टिंग करती है अपनी भाषा का तो कुछ करती नहीं है क्या फ़ायदा बाहर रहते लोग पूछते हैं मैं कुछ बोल नहीं पाती बिकॉज शी वॉचेज लॉट ऑफ गुजराती शोज एंड ऑल. तो मैंने बोला अच्छा इतना बोला है तो फिर मैं वेट कर रही थी. देन फाइनली आई गॉट वन स्क्रिप्ट सुपर स्टार विच आई डिड लास्ट ईयर रिलीज हो गई एंड आई डिड वेल थोड़ा पिकअप करते 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 बट देन इट वॉज अ गुड फिल्म कि लोग बात कर रहे थे पता था
मैंने बोला अच्छा गुजराती फिल्म एक्चुअली बहुत अच्छी है. एंड देन मैंने कुछ गुजराती फिल्में देखी और अभी भी एक लास्ट गुजराती फिल्म आई थी, मैं नाम भूल गई उसका, इट्स लाइक द सब्जेक्ट इज सो गुड. इट इज़ नॉट जस्ट अ फिल्म, इट्स समथिंग विच गिव्स रिमार्क्स इन योर माइंड, आपको सोचने पर मजबूर भी कर देती है. एंड एक्टर्स आर ऑल्सो वेरी गुड, इट्स फन टू वर्क विद देम एंड टू नो अबाउट लॉट ऑफ अदर थिंग्स. एंड येस, बींग गुजराती मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है. And yeah, my film is also nominated in this award function today, and I'm sure कि हमें कोई ना कोई तो अवार्ड मिलेगा ही. मैम अभी आप नॉमिनेट, सॉरी परफॉर्मेंस आपका, तो क्या नर्वस में एक्साइटमेंट और किस सॉन्ग पे आप परफॉर्म करना है इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए. मुझे बहुत मिक्स फीलिंग रहती है, नर्वसनेस बहुत रहता है बिकॉज मुझे लाइव ऑडियंस बहुत अच्छी लगती है. उनके सामने जब आप परफॉर्म करते हो तो एज अ परफॉर्मर आपको सारे इंस्टेंट रिएक्शन देखने मिलते हैं, तो अच्छा लगेगा तो हो वूच करेंगे, बुरा लगेगा तो सिर्फ तालियां मिलेंगी. तो आई रियली एंजॉय ऑल दैट थिंग, सो गेट टू नो दैट कि हाँ कहाँ कहीं कुछ किस चीज़ की कमी रह जाती है. एंड नर्वसनेस इस चीज़ की है कि आई ऑलवेज फील दैट इज़ माई फर्स्ट थिंग, फर्स्ट टाइम. एंड गुजराती फिल्मों में तो मेरी पहली बार फिल्म है, तो इतनी सारी कॉम्पिटिशन में एक्टर्स, यू विल नॉट बिलीव, सुप्रिया पाठक जी भी है जिन्होंने एक फिल्म की थी एज अ लीड, and that concept is also very good. तो nervousness रहती है कि इतने इतने बड़े दिग्गजों के साथ कहीं ना कहीं मेरी फिल्म भी है. So Rashmi, back to back देखा जा रहा है टीवी के actors Bollywood में entry कर रहे हैं, आपका क्या take है इसका? मेरा take लेने से क्या फर्क पड़ने वाला है? मेरी take मेरे लिए है क्योंकि it's not from today. स्मिता पाटिल जी थी जिन्होंने 7 लैंग्वेज में, डिफरेंट लैंग्वेज में उन्होंने फिल्म की थी और उनकी सारी फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिला था. एंड एज एन एक्टर मुझे हर लैंग्वेज में कोई ना कोई फिल्म करनी है, उस चीज़ों को जानना है, परखना है, उस जगह को जानना है, और आई थिंक मैं करूँगी बिकॉज इट्स समथिंग, इट्स माई ड्रीम. पद्मावती. पद्मावत हो गया मैम. ओह सॉरी, माइनस द ई. इस टाइप की मूवीज करना चाहिए. डिपेंड करता है कि मुझे किस टाइप की करना है. मुझे बहुत सुंदर भी दिखना है, मुझे पागल भी बनना है, मुझे गैंगस्टर भी बनना है, मुझे बिजनेस वुमेन भी बनना है, मुझे सब करना है. मुझे कंटेंट चाहिए. बिग बॉस में भी आप गए थे देखा जाए तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? मैं हमेशा एक दिन के लिए जाती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बेस्ट रहता है और मुझे वैसे ही अच्छा लगता है. थैंक यू. मैडम जी लोगी यार, मैडम मैडम यहीं आई हैं. मैंने अपनी गुजराती फिल्म कैरी ऑन केसर के गाने पे, जो मेरा एंट्री सॉन्ग है फिल्म के अंदर, आवी रे आवी, विच हैज बीन वेरी पॉपुलर, तो उस पर मैंने परफॉर्म किया. एंड ऑब्वियसली इट्स माय सॉन्ग एंड वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है परफॉर्म करके. एंड आई कुड सी द ऑडियंस रिएक्शन. परफॉर्मेंस के पहले किस तरह का नर्वसनेस था? बिल्कुल भी नहीं, आई हैव बीन परफॉर्म सो मेनी टाइम्स, सो मैं नर्वस नहीं होती. तो ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में जो टीवी इंडस्ट्री, गुजराती इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री है, किस तरह से फील करते हैं कि कितना बड़ा हुआ या कितना उसको और यू नो प्रिविलेज मिलना चाहिए? गुजराती इंडस्ट्री ये कहूँगी कि बेबी स्टेप ही सही, बट टूवर्ड्स प्रोग्रेशन में है. एंड बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है, बहुत ही अच्छे कंटेंट की फिल्में बन रही है, कंटेंट ड्रिवन फिल्में बन रही है, और आज का जो यूथ है वो मोटिवेट हो रहा है गुजराती फिल्म्स को देखने के लिए, सो विच इज़ अ वेरी गुड साइन. और मैं सभी प्रोड्यूसर्स और सारे आर्टिस्ट को एंकरेज करना चाहूँगी कि जितना हो सके गुजराती इंडस्ट्री के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन. अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज आई डोंट सी एनी मेजर डिफरेंस. यस, रीजनल फिल्म होती है, रीजनल ऑडियंस होता है, एक सर्टेन टेरिटरी के लिए फिल्म बनाते हैं, तो एक लिमिटेड बजट के लिए फिल्म बनानी बहुत ज़रूरी होती है. इन बॉलीवुड वी हैव दैट फ्रीडम यू नो. तो ये दो चार पॉइंट्स को छोड़ के आई डोंट सी एनी डिफरेंस, बिकॉज क्रिएटिविटी किसी लैंग्वेज की मोहताज नहीं होती है.
Calendar Girls was like, you know, always close to my heart. That was my debut film and I am being known as a Calendar Girl. और अब मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं गुजराती इंडस्ट्री में भी यू नो केसर गर्ल No. So it's always good to be recognized by the film you do. इसके अलावा आपने कहा है कि मोदी की आप बेटी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपको लगता है कुछ गलत कहा है? No, yeah. See, it's like जिस तरीके का काम मोदी जी अपने देश की बेटियों के लिए कर रहे हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कैंपेन को जितना बढ़ावा दे रहे हैं, और जो तरीके का प्रोत्साहन वो हम औरतों को और लड़कियों को दे रहे हैं, उसे देखते मुझे कहीं पे भी नहीं लगता कि जो मैंने स्टेटमेंट दी है वो, हालांकि मैंने स्टेटमेंट बहुत ही वैलिड दिया है कि वो सिर्फ मेरे नहीं पूरे देश की सारी लड़कियों के लिए एक पिता का जो फर्ज है वो निभा रहे हैं. तो यस, हैट्स ऑफ टू हिम एंड आई एडमायर कि हमारे देश में ऐसे एक नेता है, प्रधानमंत्री है, जो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं. ये वाले ओके ओके डन. हाँ ટેડ કે આ વખતે હું નોમિનેટેડ છું. બે વર્ષ પહેલા હું હતી ને ત્યારે મેં પરફોર્મ કર્યું હતું. આજે ફરી હું આ સ્ટેજ ઉપર પરફોર્મ પણ મેં કર્યું અને નોમિનેટેડ પણ છું. તો આઈ એમ વેરી એક્સાઇટેડ. ટ્રાન્સમીડિયા દર વર્ષે બહુ જ સક્સેસફુલ ઇવેન્ટ હોય છે અને દરેક ફિલ્મ ફ્રેટર્નિટીના લોકો એના માટે રાહ જોતા જ હોય છે. તો યસ, આમ ઓબ્વિયસ વેરી એક્સાઇટેડ અને બસ આમ જ ચાલતું જાય બધું કામ અને આમ જ થતું જાય એની પછી. થેન્ક યુ. मैं देखती आ रही हूँ. मैं लास्ट ईयर भी आई थी. काफ़ी बहुत बढ़ रहा है और काफ़ी पॉपुलर हो रहा है बॉम्बे जैसी सिटी में. गुजराती लोग आके इतना बड़ा शो कर रहे हैं विच इज़ वेरी पॉपुलर. काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और मैं चाहती हूँ ये और बढ़े और इंटरनेशनल लेवल पर जाए और दुनिया के सारे गुजराती इसको जाने और इसमें पार्टिसिपेट करें. तो आपको नॉमिनेट किया गया या परफॉर्मिंग? नो, माई फ्रेंड अरविंद वेगड़ा जी इज़ हियर. ही इज़ लाइक माई ब्रदर. सो ही इज़ इन्वाइटेड. Are you working in some projects? I am an actor. I am doing, I can't disclose it, but I'm doing a big movie. It's a regional movie. Okay. And yeah, two, three more projects are coming up. So once it comes, aapko pata chalega. So what about the Gujarati film industry and television industry? It's going big. I mean, what do you want to comment on it? Gujarati film is becoming big aur aajkal arvind bhai bhi aa gaye. Unko bhi bulana chahiye. गुजराती फिल्म हैज़ बिकम वेरी बिग और आजकल जो मूवीज़ आई है दो तीन उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है और काफ़ी डायरेक्टर्स यहाँ गुजरात के काम कर रहे हैं. अरविंद भाई ने काफ़ी चीज़ें की है गुजरात को, बहुत बिग बॉस में आके और काफ़ी चीज़ें बढ़ाई है. रश्मि देसाई एंड ऑल अच्छे आर्टिस्ट हैं जो इतना काम कर रहे हैं गुजरात में. सो आई थिंक इट्स, मैं भी गुजरात में रही हूँ मतलब 3 साल थोड़ी बहुत गुजराती आती है. तो इट्स गोइंग गुड. गुजरात इज ऑलवेज गुड. या स्वैग लगा ले मेरे का. ओह माय गॉड. बस अभी शुरू करें. चलो शुरू करते हैं. मिला 17 वाले वो एक लाइन और रईस का जो गाया था वो एक फैन का फैन है. सर ओके सर क्या कहना चाहेंगे ट्रांसमीडिया का जो ये अचीवमेंट है 17 साल से ऑर्गेनाइज करा गुजरात फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत कितनी बड़ी बात है. देखिए गुजराती फिल्म इंडस्ट्री इतनी पुरानी 89 ईयर्स, काफ़ी उन्होंने गोल्डन एराज देखे हुए हैं. बट सबसे ज़्यादा बड़ा मिसिंग पॉइंट था वो था ट्रांस एक अवार्ड
जो होना चाहिए, जिन्होंने जितनी भी मेहनत करी है उनको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। बिकॉज आर्टिस्ट को ये अच्छा लगता है कि स्टेज पे जाएंगे, वो नॉमिनेट होंगे, उनको अगर अवार्ड मिला, माने उन्होंने जो काम किया उसके लिए अचीवमेंट एक वो कह सकते कि मैंने ये किया है, मेरे बलबूते पे ये हुआ है, और उसका अचीवमेंट होता है, और उसको जब कभी भी अवार्ड में नॉमिनेट होता है या उसको मिलता है तो वो बहुत ही बड़ी बात है। तो ट्रांसमीडिया पिछले 17 साल से कर रहे थे, हेड्स अप टू ट्रांसमीडिया कि उन्होंने इतना अच्छा सा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है गुजराती इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो जिससे गुजराती जो आर्टिस्ट जो है उनको एक बहुत बड़ा बूस्टअप मिलता है। और आपको फैन गाने फैन में जो ब्रेक मिला था उसके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट थी आपके लिए? ऑफ कोर्स एक चीज़ मेरे लिए है मेरी लाइफ में कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों के साथ में उनके लिए काम किया हुआ है, जैसे सबसे पहले मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हमारे आज प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बाद सलमान जी के साथ बिग बॉस में था, उसके बाद शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिला, तो सबसे बड़ा ये था कि यशराज के बैनर में सबसे बड़ा बॉलीवुड के वो था, उसमें मुझे गुजराती वर्जन जो गाने का फैन का जो मिला था, सो आई एम रियली हैप्पी, आई वाज रियली हैप्पी, और वो गाना भी बहुत चला था। फॉलो करो ट्विटर पर, टैग करो फेसबुक पर, तारीख उसमें गूगल ना सुपड़ा करया साफ, आय ना मा पण तूज छे ने निंदर मारी ज छे, खेला पा मा तारा हूं तो वंठी गयो बाप, तू तो सोडा नी बाटली हूं लखोटी तारी, हूं तो हैंडल करू बदी फैशन तारी, तारा दिल ना मोबाइल नो अनलिमिटेड प्लान थई गयो, हूं तारो हाय रे जबरो बाप जबरो फैन थई गयो। जियो का लोगो लॉन्च है, जियो ने लोगो लॉन्च है गुजराती अवार्ड वगैरह। हाँ सर, नरेंद्र नरेंद्र योगेश भाई, योगेश भाई नीचे आ, हाँ साहब ट्रांसमीडिया चालू हुआ है तब से आवाज आ रही है, ये आवाज बहुत आ रहा है ना, आ रहा है, आ रहा है। जो 17 साल से ट्रांसमीडिया चालू हुआ है तब से ब्राइट ट्रांसमीडिया का आउटडोर पार्टनर है और गुजराती स्क्रीन और स्टेज अवार्ड्स का एक हिस्सा रहा है, और बरसों से मैं डे टू डे अवार्ड्स ना बढ़ते जे देख रहा हूँ, और आज मुझे भी अवार्ड मिला है, मैं हर बार अवार्ड देने को जाता हूँ, तो ये बार मुझे गुजराती होने का गर्व है कि मैं जैन गुजराती हूँ और गुजराती कम्युनिटी में इतना बड़ा सम्मान गुजराती के हाथ से मिला है, और ट्रांसमीडिया को और पूरे गुजराती कम्युनिटी को मैं बधाई देता हूँ। और मैं योगेश जी के लिए सॉरी इंटरप्ट, योगेश जी के लिए और एक चीज़ कहना चाहूँगा, ऐसा कोई आर्टिस्ट ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं है जो योगेश जी को नहीं जानता है और योगेश जी के साथ खुद पिक्चर नहीं खिंचवाते। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये संजय भाई गुदावत जी है, संजय गुदावत जी के ओनर। मैं बहुत साल से ट्रांसमीडिया के बारे में सुनता था कि अच्छे अवार्ड देते हैं, लेकिन ये साल मुझे उन्होंने अवार्ड दिया है तो मैं बहुत ही खुश हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये योग्य समझा। और 25 साल से संजय गुड़ा ग्रुप अलग अलग फील्ड में कार्यरत है, जैसे कि सॉल्ट से लेकर एविएशन तक, और पहले शुरुआत छोटे से हुई थी पैमाने पर, तो आज यहाँ पर संजय गुड़ा ग्रुप में 10,000 वर्कर्स और 15,000 स्टूडेंट्स शिक्षा ले रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने मुझे अवार्ड देके जो मेरा इंस्पिरेशन मुझे जो मिला है आज, बहुत ही अच्छा स्पिरिट बढ़ाया उन्होंने, और ये मैं अवार्ड मेरे माताजी और पिताजी के डेडिकेट करता हूँ मैं। और दोनों से कहना चाहूँगा, सिर्फ बिजनेस में नहीं है, पॉलिटिक्स में देख रहे हैं कि रूल कर रहे गुजराती कम्युनिटी के, मोदी जी पूरे दुनिया में रूल कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी की बात है? मोदी जी का अब ये सब अच्छे स्टेप्स हो रहे हैं और पॉजिटिव होएगा, जितना भी डिमोनिटाइज या रेरा या GST अभी थोड़े दिन असर हुई है, लेकिन फ्यूचर में उनका ब्राइट है, फ्यूचर और पब्लिक का भी फ्यूचर ब्राइट है। जो मोदी जी कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में रूल कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा चल रहा है उनका काम, सिर्फ मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए जो बहुत ही कमज़ोर है अभी इंडिया की, एयरपोर्ट्स अच्छे होने चाहिए, जैसे हम अभी स्टार एयर भी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे जो एयरपोर्ट्स है वो अभी भी शुरुआत नहीं हुई है उनकी, तो वो होना ज़रूरी है, तो ऑल ओवर इंडिया की डेवलपमेंट हो जाएगी, सिर्फ स्मार्ट सिटी बन के फ़ायदा नहीं है, स्मार्ट विलेजेस स्मार्ट छोटे गाँव भी बनने चाहिए, तो इंडिया स्मार्ट बनेगा, ऐसे मेरा विश्वास है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, संजय भाई ने भी साइकिल पे
छोटे छोटे गुटका के दो लाख से स्टार्ट किया और चीरो से हीरो बने मेरे जैसे। मैं भी सेल्फ मेड मैन हूँ, संजय भाई भी सेल्फ मेड है और आज महाराष्ट्र के नंबर वन है और कोल्हापुर के है। इनका मतलब नंबर वन आदमी, इनके बारे में बोलने को बैठेगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। सबसे पहले जाना चाहूँगा गुजराती स्क्रीन और जो स्टेज अवार्ड से पिछले 17 साल से ट्रांसमीडिया ऑर्गेनाइज करें, क्या कहना चाहेंगे, कितना सक्सेसफुल स्टेप है और कितना बड़ा अचीवमेंट है ये ट्रांसमीडिया के लिए? हाँ, खरेखर वो जो सारी अचीवमेंट है बिकॉज 17 वर्ष सुधी कोई अवॉर्ड फंक्शन एक सक्सेसफुल रीते चलावो अने पण डिजर्विंग टैलेंट ने अप्रिशिएट करूँ अवॉर्ड आपीने, ए पोतानामां ज 17 वर्ष सुधी आ कमाल करी छे अने आई होप के आगळना बीजा सत्तर वर्षों सुधी कमाल करिया राखे। आप क्यों जानना चाहूँगा कि आप परफॉर्म कर रही हैं या नॉमिनेट हुई हैं या क्या कहना चाहेंगे एज अ गेस्ट यू आर कमिंग फॉर द इवेंट? ओके, हूँ जस्ट अटेंड करवा आवी छूँ। लास्ट ईयर आई वॉन अवॉर्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर माई मूवी, जे पण कहीश ए साचू ज कहीश, ए माटे मने बेस्ट एक्ट्रेसनो अवॉर्ड मळ्यो हतो। तो आज के दौर में जो गुजराती इंडस्ट्री है टेलीविजन या फिल्म, क्या कितना बड़ा हो चुका है और क्या मतलब करना चाहिए उसको और रिकॉग्नाइज करवाने के लिए, क्योंकि और जो रीजनल इंडस्ट्री आप देखते हैं कि कितना बड़ा हो गया है, तो क्या कहते हैं कि किस तरह से और आगे बढ़ना चाहिए गुजराती इंडस्ट्री को? रीजनल इंडस्ट्री अपनी गुजराती ऑलरेडी आगे बढ़ रही है, सारो सपोर्ट मिली रो गुजराती ऑडियंस तरफ थी। आई होप के वधु ने वधु जे रीते अपने बॉलीवुड और हॉलीवुड ने अप्रिशिएट करे छे ए रीते वधु ने वधु अप्रिशिएट अपनी गुजराती ऑडियंस अपनी गुजराती फिल्मों ने करें तो वधु आगळ वधे अपनी इंडस्ट्री। जी मैं एक्चुअली काम कर रही हूँ, आई होप के आई विल डिक्लेयर आफ्टर दैट बट आई कांट से राइट नाउ। आप लोग ने हमको बहुत मोटिवेट किया है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू बिस्कॉन मीडिया, टू जिग्नेश भाई सोनी हमारे मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, फॉर शोइंग फेथ इन SSGD आशीष भाई व्यास एंड माय फादर इज हियर, जिनको मैं हमेशा लेके जाता हूँ क्योंकि एक गरबा टीचर बनने के लिए यू नो जो एक माइनॉरिटी है इंडिया में, इन्होंने हमको मोटिवेट किया था यू नो। सो थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड थैंक्स टू माय गुरुजी हरिप्रसाद स्वामी जी, उनकी वजह से ये जो है वो ये सबके लिए है एंड SSGD टीम के लिए। थैंक्स टू ट्रांसमीडिया जिन्होंने हमें मौका दिया और यहाँ पे आज हमने परफॉर्म भी किया और यहाँ पे आज हमें ट्रॉफी भी मिला है फॉर द बेस्ट कोरियोग्राफर। सो इंडियन कल्चर प्रमोट करने के लिए हम यहाँ पे हैं, सो उसका अप्रिसिएशन मिला इसीलिए हम बहुत खुश हैं आज। थैंक यू सो मच ट्रांसमीडिया। आई थिंक जस्ट टू मेंशन दैट दो और मेंबर्स, मेरी बहन अभी यहाँ थी चली गई, उसका बेटा रो रहा है, बट निवृत्ति सोनी शेट्टी एंड माय ब्रदर जिगर सोनी जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जो बहुत ही अहम हिस्सा है SSGD का, सो डेफिनेटली आई लाइक टू मेंशन फॉर अबाउट देम एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन ट्रांसमीडिया, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड या हम गरबा 5 देशों में सिखाते हैं, USA, लंडन, ऑस्ट्रेलिया, सो मेनी कंट्रीज एंड बिकॉज ऑफ दिस अवार्ड आई एम श्योर कि हम और ज़्यादा देशों में पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच। सर थोड़ा सा भाई, ए भाई चलो यार कोई बड़ी एक मिनट प्रभात आनंद ठीक गुजराती एक ही बंदा जसमीन भाई जो इतनी पोटेंशियल इतनी फोर्स से इतने 17 साल से अवार्ड फंक्शन कर रहा है फॉर गुजराती ऑल दी आर्टिस्ट, ये बहुत बड़ी बात है और वी शुड सपोर्ट हिम फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स, मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि ऐसा कोई बॉम्बे में करता नहीं है जो जसमीन भाई अकेले कर रहे हैं। सो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है और मैं दिल से उनको बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा इस अवार्ड के लिए और हर आर्टिस्ट हर इंडस्ट्री इस अवार्ड को सपोर्ट करे ऐसा मेरा सबको कहना है। थैंक यू। गुजराती ट्रांसमीडिया का फर्स्ट अवार्ड फंक्शन है और मैंने गुजराती मूवी की है पास का पास जो अभी रिलीजिंग पे है। आई एम हिंदी एक्टर, मैंने हिंदी में काफ़ी सारे शोज किए, सो आई फील सो हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और ये मेरा फर्स्ट अवार्ड फंक्शन है तो मैंने गुजराती से स्टार्ट किया अवार्ड फंक्शन, सो आई फील सो हैप्पी बीइंग अ गुजराती, मैंने गुजराती से अवार्ड फंक्शन स्टार्ट किया।
पहले जो गुजराती इंडस्ट्री थी उसे लोग इतना जानते नहीं थे, मतलब लोगों को पता नहीं था कि गुजराती इंडस्ट्री, बट अभी जो गुजराती इंडस्ट्री बहुत डेवलप है, पहले भी यहाँ पे तो कभी गुजराती इंडस्ट्री यहाँ पर है, लाइक गुजराती एक्टर्स को लोग जानते हैं नाम से, सो दैट्स अ बिग थिंग। अभी मैं हिंदी पे शो कर रही हूँ, चक्रधारी अजय कृष्णा, सो बिग मैजिक वैल्यू।